वेलकम टू बीटीएस न्यूज़, मोहम्मद वसीम अकरम। आइए देखिए आज की ताजा खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज खान। हुजूर नगर बाय इलेक्शन में मैं बिजी था, मुझे ये इत्तला मिली कि एक वीडियो वायरल हो रहा जो मेरा पुराना इंटरव्यू था एमपी इलेक्शन में, जो मैं एक तेलुगु चैनल को दिया और वो 1 घंटा 45 मिनट का इंटरव्यू है और उसमें बताया ये जाता है कि फिरोज खान ये बोले हैं कि हैदराबाद और ओल्ड सिटी में 50,000 सेक्स वर्कर्स है। पहली बात मैं आपको करेक्शन कर देता हूं, यहां पे मैं 15,000 बोला और वो किस बुनियाद पे बोला मैं आपको समझाना चाहता हूं। रही बात ये, जो भी मेरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये हमारे फेसबुक के बेरोजगार हैं, उनका बैंड मारने के लिए फिरोज खान को बदनाम कर रहे हैं। फिरोज खान क्या बोले? और पहली बात इन लोगों को तेलुगु समझ में आती, 1 घंटा 45 मिनट का है मेरा इंटरव्यू, पहले आप एक ट्रांसलेटर को बिठा के आप सुनिए, गौर से सुनिए मैं क्या बोला। मैं ये बोला कि हैदराबाद ओल्ड सिटी, हैदराबाद का मतलब पूरे जीएचएमसी लिमिटेड, उसमें 15,000 सेक्स वर्कर्स है, 15,000 जिसको 50,000 बोल रहे हैं लोग। पहली गलती इनकी, यहां पे आपको समझ में आता किस तरीके से तोड़ रहे, मरोड़ रहे, किस तरीके से एडिटिंग हो रही, किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा है और मेरे को बदनामी करने के लिए किस तरीके से मेरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक रिपोर्ट और एक सर्वे छपी और वो रिपोर्ट और सर्वे जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत एक रिपोर्ट सबमिट की गई कि ये सेक्स वर्कर्स की वजह से एड्स फैल रहा और कई तरह की बीमारी फैल रही और इसके अंदर ये पेपर में और ये रिपोर्ट में एरियाज भी मेंशन है। और जब ये टाइम्स में ये रिपोर्ट आई, ये सर्वे आई, जब आप लोग खामोश थे और आज फिरोज खान ये बोला बोल के मैनिपुलेट करके एडिटिंग करके आप एक वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें आपको फिरोज खान को बदनाम कर रहा है। मेहरबानी करके फिरोज खान को बदनाम करने में आप कौम को बदनाम मत करिए। और पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद में रहता, पूरा हिंदुस्तान ओल्ड सिटी में रहता, मैं कोई मजहब को कोई कौम को मैं उंगली नहीं दिखाया, ना मेरे को दिखाने का इख्तियारत है। मैं एक रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आपके सामने यह बात रखा कि वो एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ और गुर्बत जब आती तो कुफर की तरफ जाते, यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा था और यह बात मैं एग्जैक्ट तेलुगु में बोला हूं। और मैं तेलुगु चैनल में क्या बोला, बड़ी तकलीफ से दुखम तो बोलते बड़े तकलीफ से अपने सीने को वजन करते हुए, बड़े दुख से, बड़े गम भरे दिल से मैं ये बात बोल रहा हूं। बोला हर मां और बहन की इज्जत करना मेरा फर्ज बनता, मैं ये नहीं भूला कि मैं उनसे पैदा हुआ और आपकी जाति मफाद के लिए फिरोज खान को बदनाम करते जा रहे हैं। आप बोल रहे मेरे को केस में बुक कराते साइबर क्राइम, जाइए आप जाके जो मेरा ओरिजिनल इंटरव्यू है वो चैनल वालों को बुलाइए, बिठाइए
एक घंटा 45 मिनट देखिए, ट्रांसलेटर को रखिए, और उसके बाद में मैं कुछ भी गलती करा तो आप केस बुक कराइए और आप मेरे को जो सजा देना है देंगे। मैं फिर से एक टाइम आपको बोल रहा हूं, मैं कोई भी मजहब को उंगली दिखा के नहीं बोला, और खुसूसी मुसलमानों, और उसके बावजूद भी अगर से ये सर्वे और ये रिपोर्ट के आधार के बाद भी अगर से मैं बोला हूं और किसी को तकलीफ हो रही तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, और पूरे भाइयों को मैं ये गुजारिश करता हूं कि सच को सामने लाइए, और आप मेरे पुराने वीडियोस, मेरे पुराने फोटोज पूरा एडिटिंग करके, पूरे चेंज करके, इधर की उधर फोटो लगा के आप मेरे को बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरे खानदान को बदनाम करना चाह रहे हैं। करिए आप खानदान को बदनाम, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देते, मगर आप भी जज्बा रखते। आज आप जो भी मेरे वीडियोस डाल रहे हैं जज्बे से डाल रहे हैं, चलिए मानता हूं बात, चलो अपना नाम नहीं करने कर, नाम नहीं करना चाह रहे ना, जज्बे से डाल रहे हैं, पर हकीकत तो जानिए, हकीकत क्या है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसको उंगली ने दिखाया, कोई कौम को नहीं बोला, मुसलमानों को नहीं बोला, कोई एरिया को नहीं बोला, मैं सिर्फ ये रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। और आपको ये रिपोर्ट होना, ये पेपर होना 2012 का, आप व्हाट्सएप करिए, ये रिपोर्ट होना आप व्हाट्सएप करिए, मैं ये रिपोर्ट भेजाऊंगा, ये पेपर भेजाऊंगा, आप पढ़ लीजिए। हम जो भी सियासत में बोलते, बेशक हम जो महसूस करते वो बोलते, मगर उसके साथ साथ हम प्रूफ रख के बात करते, हमारी जांच पड़ताल करके बात करते। तो फिर से एक टाइम बता रहा हूं तमाम मेरे भाई और बहनों को कि मेरा मतलब कुछ अलग था, और उसके बावजूद अगर से आप लोग को तकलीफ हुई तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, और सच को जानिए। ट्रांसलेटर को बिठा के आप वो पूरा एक घंटा 45 मिनट देखिए, मेरी गुजारिश है आपसे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।